Let's see the structure of a taproot. Suppose here I'm drawing a taproot. So taproot ka kya hota hai? Jo main root hota hai, it will grow and elongate. इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट बोलेंगे. और ये जो प्राइमरी रूट होता है, यही जो होता है मेनली, इट इज द टैप रूट. ठीक है, ये जो प्राइमरी रूट है इट इज मेनली द टैप रूट. अब इससे क्या होता है, जो प्राइमरी रूट है इससे कई सारे लेटरल रूट्स, लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगे. ठीक है, और उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी रूट. राइट, सो लाइक दिस, दिस इज द secondary roots which are arising from the primary root. ठीक है, like this. अब तो इसको हम क्या बोलेंगे, this is the secondary root. अब secondary root से भी बहुत सारे branches arise होंगे and they will form the tertiary root. तो इस तरीके से अब आप देखोगे tertiary root arise हो रहे हैं, like this. These are the tertiary roots which are arising from the primary root. So this is the tertiary root. ठीक है, अब जो ये tertiary root है, it will form the, finally the tertiary root will form the rootlets. और rootlets ही is, rootlets are the points from where the root hair and the root caps are present. इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुने कि रूट कैप और रूट हेयर कहां प्रेजेंट होते हैं. जो रूटलेट होता है विच इज फाइनली अराइजेस बाय द टर्शरी रूट, ये जो टर्शरी रूट है इट विल गिव राइज टू द रूटलेट्स. तो हम बनाते हैं, मैं यहां पे बना रही हूं, सपोज दिस इज द टर्शरी रूट. तो इससे टर्शरी रूट से क्या होगा, रूटलेट्स अराइज होंगे. दीज आर द रूटलेट्स एंड रूटलेट्स पे ही क्या होगा, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे और क्या होगा, रूट कैप प्रेजेंट होगा. तो रूट कैप आपने देखा कहां प्रेजेंट है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी रूट, दे आर प्रेजेंट ऑन द रूटलेट्स विच आर अराइजेस फ्रॉम द टर्शियरी रूट्स एंड रूट हेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द टर्शियरी रूटलेट्स. ठीक है, सो रूट हेयर एंड रूट कैप आर प्रेजेंट बेसिकली ऑन द रूटलेट्स. ठीक है, सो दीज टूगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. नाउ ये जो सेकेंडरी रूट होते हैं या जो टर्शरी रूट होते हैं, दे डेवलप इन एक्रोपिटल सक्सेशन. ठीक है, ये किस सक्सेशन में डेवलप होते हैं, दे डेवलप इन एक्रोपिटल सक्सेशन. एक्रोपिटल सक्सेशन मैंने क्या होता है कि जो आप देखोगे जो ओल्डर रूट्स होंगे, इनसे जो ओल्डर ब्रांचेस दिखेंगे, दे विल बी टूवर्ड्स द बेस. आप प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट देख रहे हो जो आ रहा है, बेस की तरफ जो हो रहे हैं ओल्डर ब्रांचेस हैं और टूवर्ड्स द अपेक्स यंगर ब्रांचेस. ठीक है, तो जो बड़ी और ओल्डर ब्रांचेस होंगी दे विल बी टूवर्ड्स द बेस एंड स्मॉल एंड बड़ी एंड ओल्डर ब्रांचेस दे विल बी टूवर्ड्स द अपेक्स एंड स्मॉल एंड यंगर ब्रांचेस विल बी टूवर्ड्स द अपेक्स. राइट, and older and larger branches will be towards the base. तो acropetal succession का मतलब क्या हुआ, older branches जो होंगे they will be towards the basal region, okay, basal region of the root, whereas the younger branches जो होंगे they will be towards the apex of the root, root के apex की तरफ होते हैं. right, अब ये जो टैप रूट होता है, मैंने बताया कि प्राइमरी रूट ही है जो विच इज मेनली द टैप रूट. इट इज प्राइमरी रूट विच इज मेनली द टैप रूट. और ये जो टैप रूट होता है इट इज द थिकेस्ट रूट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द रूट. जितनी भी तरीके के रूट्स आप पढ़ेंगे, हर टाइप के रूट में जो थिकेस्ट रूट होता है वो प्राइमरी रूट होता है. तो इट इज द सेकेंड पॉइंट प्राइमरी रूट आप देखेंगे टैप रूट का, इट इज द thickest of all the type of the roots, thickest root. ठीक है, सबसे thick होता है. Position की बात करेंगे तो इसकी जो position होती है it is always below the ground. Okay,
what is the position of the, what will be the position of the tap root? It is all underground, always it is present below the ground, kyunki aap puchoge ki root to hamesha hi below the ground hote hain, there are certain adventitious roots which are present above the ground also. So position kya hui iski, position wise they are underground. Now on the basis of morphology, tap root जो होते हैं दो तरीके के होते हैं फिर से, ठीक है. On the basis of morphology, morphology के basis पे जो है tap roots, they are again of two types. एक तो होता है deep feeder tap root system and another one is surface feeder tap root system. First one is deep feeder tap root system and the second one is surface feeder tap root system. क्या मतलब हुआ? Deep feeder tap root system जो होते हैं इनमें जो main root होता है ना, it grows very long. ठीक है, इसकी जो growth होगी it grows vertically downward. जबकि surface feeder tap root system में जो उनके सेकेंडरी रूट्स होते हैं दे ग्रो हॉरिजेंटली. जो टैप रूट होगा वो बहुत डीप नहीं ग्रो करेगा. दिस इज अ डिफरेंस. मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं आपको. यहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है. सपोज दिस इज द डीप फीडर टैप रूट सिस्टम. तो आप देखोगे कि ये जो मेन रूट है दिस इज द प्राइमरी रूट, इसकी ग्रोथ क्या होगी, इट विल ग्रो डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, ठीक है. और लेटरल ब्रांच सेकेंडरी ग्रोथ जो है इट इज नॉट वेरी, इट इज नॉट टू मच. सेकेंडरी ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी. सेकेंडरी रूट्स विल नॉट बी वेरी प्रोमिनेंट, नॉट टू मच सेकेंडरी रूट्स आर प्रेजेंट देयर. ओनली द डीप ग्रोथ वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रोथ विल बी प्रेजेंट ऑफ द मेन रूट. तो सच टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन यूकेलिप्टस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े टॉल प्लांट्स होते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि उनका रूट भी बहुत डीप सीटेड हो. तो दे आर प्रेजेंट इन यूकेलिप्टस, पाइनस एटसेट्रा. ये सारे बहुत ही टॉल प्लांट्स होते हैं. सरफेस फीडर में क्या होता है, मैंने बताया कि जो मेन जो टैप रूट होता है इट विल नॉट ग्रो वेरी डीप. इट इज देयर सेकेंडरी रूट्स विच विल ग्रो हॉरिजेंटली. ठीक है, तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्फेस फीडर. यहां पे मैं बना रही हूं. सपोज दिस इज द मेन रूट एंड हियर आर द ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस आप देखोगे विच आर वेरी मच वेरी वेल डेवलप्ड. और एक्रोपिटल सक्सेशन में आपको पता ही है कि एक्रोपिटल सक्सेशन में होता है तो ओल्डर ब्रांचेस दे विल बी टूवर्ड्स, दे विल बी टूवर्ड्स द बेस and the younger branches they will be towards the apex. So this is the surface feeder tap root system and generally they are present in annual herbs. Jo annual herbs hote hain ya in some bushes of the dry area, there they are present, such type of roots are present. Example in annual herbs and some bushes of dry areas. ठीक है, ये इनका जो इतना जो secondary branches हैं, secondary roots हैं जो कि show कर रहे हैं horizontal growth, this helps them to collect the moisture from a larger area. ठीक है, मैंने बताया कि जैसे कुछ annual herbs में होते हैं या जो dry areas के bushes होते हैं तो dry areas में क्या होता है, water कम होता है तो उनको ज्यादा स्प्रेड करेंगे अपना रूट तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे टू अब्सॉर्ब टू कलेक्ट द मॉइस्चर. सो दिस हेल्प दिस लेटरल ब्रांचेस, दिस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ दिस ब्रांचेस इट विल हेल्पफुल इन कलेक्टिंग द मॉइस्चर फ्रॉम अ लार्जर एरिया, कलेक्टिंग मॉइस्चर फ्रॉम लार्जर एरिया. ठीक है, लार्जर एरियाज these are the. Now position हमने देख लिया. Let's discuss
What are the places where they are present? कहाँ कहाँ पे आपको tap root system देखने को मिलेगा? So generally they are present in dicots and gymnosperms. So tap root system we can find them in dicots and in gymnospermic plant gymnosperms. Now another type of the root system is fibrous root system. Fibrous root system में क्या होता है कि जो primary root होता है, it will arise from the radical, लेकिन soon it will degenerate. Radical से तो primary root arise होगा, लेकिन जल्दी ही फिर क्या होता है वो degenerate हो जाता है. उसके बाद क्या होता है जो stem की जो base होती है ना, from the base of the that stem fine hair-like roots arises, which are very thin and almost of equal length, equal size का होता है, and giving like appearance of a fiber, giving fiber like appearance, ठीक है, and that is why they are known as the fibrous root, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, primary root जो होगा, ये तो arise होगा from radical, लेकिन फिर क्या होगा, it will degenerate हो जाता है, ठीक है? Then from the base of the stem, suppose this is then from ये हो गया, this is the tree and this is the base of the stem. Then from the base of the stem, find thin fiber like roots arises, ठीक है? ये जो है बहुत सारे फाइन थिन फाइबर लाइक रूट्स आर अराइजेस एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द फाइब्रस रूट्स, ठीक है, दे आर नोन एज द फाइब्रस रूट्स. सो दे अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है. अब जहां तक इनकी थिकनेस की बात करें तो दे आर थिन, जैसे कि मैंने बताया, इसमें बताया कि दे आर द थिकेस्ट रूट. टैप रूट जो होता है वो थिकेस्ट रूट होता है, लेकिन फाइब्रस रूट्स दे आर थिन रूट्स, ठीक है, दे आर थिन रूट्स. और अगर इनकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन वाइज दे आर आल्सो अंडरग्राउंड, ये जो है दे आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड इन द सॉइल, दे आर ऑलवेज अंडरग्राउंड. नाउ वेयर यू कैन फाइंड सच टाइप ऑफ रूट्स, तो दीज आर जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स में इस तरीके के रूट्स आपको दिखेंगे. थर्ड टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है. एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होते हैं, दे आर डेवलप ऑन द प्लांट्स फ्रॉम प्लेसेस अदर देन रेडिकल. एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं विच आर नॉट अराइज फ्रॉम द रेडिकल. रेडिकल के अलावा प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ये रूट्स अराइज होते हैं एंड दे आर नोन एज टू प्रोवाइड द सपोर्ट. देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट, राइट. सो एडवेंटिशियस रूट्स दे डेवलप ऑन द प्लांट अदर दे डेवलप ऑन द प्लांट फ्रॉम द प्लेसेस other than radical, ठीक है. आपने यहां देखा कि इट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल. फाइब्रस रूट में देखा कि प्राइमरी रूट तो उसका रेडिकल से ही अराइज हो रहा है, वो बात अलग है कि वो डिजेनरेट हो जाता है, उसके बाद जो स्टेम की बेस होती है वहां से थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइजेस. लेकिन बट इन केस ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दे अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेस अदर देन द रेडिकल एंड देयर मेन फंक्शन इज दैट दे प्रोवाइड सपोर्ट. अब अगर हम देखें, अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें तो दे मे बी थिन और दे मे बी थिक. जैसे कि फाइबरस रूट्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज थिन, वेयर द टैप रूट सिस्टम इज द थिकेस्ट रूट सिस्टम. सो एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, दे मे बी थिन और दे मे बी थिक बोथ एंड देयर मेन फंक्शन इज टू provide support to the plant. इनका main function क्या होता है, support provide करना. support इनका भी वो provide करना होता है main function, but उसके अलावा one very most important function is to absorb water and minerals. so but their main function is to provide support. आप ये देख सकते हो, let's see few examples.
जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक ब्रायोफिलम की लीफ आप देखो, आपने देखा होगा, हियर आई एम ड्रॉइंग द लीफ ऑफ ए ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम की जो लीव्स की मार्जिन होती है, उस मार्जिन में नॉचेस प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द मार्जिन्स, ये द नॉचेस आर प्रेजेंट. दिस इज द मार्जिन ऑफ द रूट एंड इन दिस मार्जिन ऑफ द लीव एंड इन दिस मार्जिन नॉचेस प्रेजेंट. दीज आर द नॉचेस प्रेजेंट एंड इन दीज नॉचेस द बड्स आर प्रेजेंट. इन नॉचेस में क्या होता है, बड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. दीज आर द बड्स. इस तरीके से आपको बड्स दिखेंगे. नाउ बड्स क्या होते हैं, बड्स आर द इमेच्योर शूट. बड्स को क्या बोलते हैं, बड्स आर द इमेच्योर और द एम्ब्रियोनिक शूट. ठीक है, दीज आर द बड्स और विच आर ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक और इमेच्योर शूट. ठीक है, अब ये क्या होगा, these bud they will sprout and they will form later the shoot system. yahi buds se kya hoga fir root bhi form karenge. these buds they will form, yahan pe hum dekhte hain, suppose ye bud hai, ye bud ab root form kar raha hai aur yahi se it also forming the shoot system. ye chote chote leaves bana raha hai. so this is how the adventitious root system is formed. ठीक है, ये जो बर्ड्स है इसका आपने देखा, दिस इज द ब्रायोफिलम लीफ. विच हैज इन द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. ठीक है, सो अब व्हाट इज इट्स पोजिशन. पोजिशन की अगर बात करें तो दिस कैन भी मैंने बताया था कि अंडरग्राउंड ऑल्सो एज वेल एज दिस कैन बी फाउंड above ground also. the position is underground as well as above ground both. theek hai, both. example kahan pe aapko these roots you can find them in dicot plants, you can find them in monocots and in pteridophytes. so in dicots, monocot plants, dicots, monocots and in pteridophytes. so these are the three types of the root system. सेमिनल रूट मैंने आपको बता दिया. अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट देयर इज वन मोर टाइप ऑफ द रूट, दैट इज सेमिनल रूट विच अराइज फ्रॉम द हाइपोकॉटल इवन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम हमने देखा. अब हम हर रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन देखेंगे जहां जहां पे मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है. ठीक है, तो पहले वी विल डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम. ठीक है, टैप रूट सिस्टम में कई बार क्या होता है, मेन रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि कभी कभी कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रूट भी रूट क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है. अब वो स्पेशल फंक्शंस क्या हो सकते हैं, दोज स्पेशल फंक्शंस मे बी स्टोरेज, दोज मे बी द रेस्पिरेशन और मे बी नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको कि नोडुलेटेड रूट बोलते हैं. रिप्रोडक्शन में अगर कुछ रूट्स जो हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर रोल प्ले करते हैं, अगर उनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं. देर आर सर्टेन रूट्स विच आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व फॉर द सपोर्ट, जैसे कि बटरेस रूट. सो इस तरीके से टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन दे मॉडिफाई देमसेल्व्स and this is known as the modification of root. in case of tap root system there are five types of the modification which I will discuss here. so let's see all those five types of the modification. first modification is for the storage, second is for the respiration, third is for nitrogen fixation,
नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नोट जो रूट्स मॉडिफाई होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नोड्यूलेटेड रूट्स. नोड्यूलेटेड रूट्स. फोर्थ इज फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, फोर्थ मॉडिफिकेशन इज फॉर रिप्रोडक्शन एंड देन फिफ्थ मॉडिफिकेशन इज फॉर सपोर्ट, दैट इज द बट्रेस रूट. बट्रेस रूट्स तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल सी द मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज. स्टोरेज और द फ्लैशी रूट्स. स्टोरेज रूट्स को क्या और क्या बोलते हैं? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड दे बिकम फ्लैशी, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैशी रूट्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैशी रूट्स. तो इसमें क्या होता है, टैप रूट जो होते हैं विद और विदाउट हाइपोकॉटल दे बिकम स्वॉलन बाय द स्टोरेज ऑफ फूड. हमने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा था, जो कॉटिलेडनरी नोड था और रेडिकल के बीच में जो स्ट्रक्चर जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द हाइपोकॉटल. तो हाइपोकॉटल कभी कभी रूट के साथ साथ रेडिकल के साथ साथ या रूट के साथ साथ जो है हाइपोकॉटल भी फूड स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, हाइपोकॉटल क्या होगा, फूड स्टोरेज के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से उसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज रूट. तो समटाइम्स टैप रूट विद और विदाउट हाइपोकॉटल. टैप रूट विद और विदाउट हाइपोकॉटल इन्वॉल्व्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड. एंड ठीक है, अगेन दिस स्टोरेज रूट्स ये कई तरीके के होते हैं. ठीक है, दे आर मेनली ऑफ फोर टाइप्स ऑफ द स्टोरेज रूट्स. तो हम पहले इनके जो चारों टाइप है उनको देखेंगे. दे आर ऑफ फोर टाइप्स, चार टाइप के स्टोरेज रूट होते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल दिस फोर टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज कॉनिकल रूट. देन फर्स्ट इज कॉनिकल रूट. सेकेंड टाइप इज ट्यूबरस रूट और ट्यूबरकुलर रूट. ट्यूबरकुलर रूट और ऑल्सो नोन एज ट्यूबरस रूट. ठीक है, थर्ड टाइप इज नेपीफॉर्म रूट. थर्ड इज नेपीफॉर्म रूट एंड द फोर्थ टाइप इज फ्यूजीफॉर्म रूट. फोर्थ टाइप ऑफ स्टोरेज रूट इज फ्यूजीफॉर्म. ठीक है, नेपीफॉर्म रूट, फ्यूजीफॉर्म रूट, कॉनिकल रूट एंड ट्यूबरकुलर रूट. तो कॉनिकल रूट में क्या होता है, एग्जाम्पल कॉनिकल रूट पहले तो देखें हम कहां प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन कैरेट. कैरेट आपने देखा होगा, इसका बोटेनिकल नेम होता है डॉकस कैरोटा. डॉकस कैरोटा. हियर आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉनिकल रूट. तो ये इट इज ब्रॉड टूवर्ड्स द बेस एंड टेपर्स टूवर्ड्स द अपेक्स इस तरीके से. ठीक है, एंड इसमें जो यहां पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज रिड्यूस्ड डिस्क स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है, इंटर नोड्स एब्सेंट होते हैं और सारे नोड्स, ऑल द नोड्स दे गैदर एट वन पॉइंट एंड इन दिस वे दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिड्यूस्ड डिस्क. दे फॉर्म अ रिड्यूस्ड डिस्क, डिस्क लाइक स्टेम. ठीक है, और ऐसे स्टेम को और क्या बोलते हैं, अ कॉलेसेंट स्टेम. सच स्टेम इज ऑल्सो नोन एज ए कॉलेसेंट स्टेम. ठीक है, कॉलेसेंट स्टेम भी बोलते हैं. इनके ऊपर आप देखोगे देर आर मैनी लीव्स प्रेजेंट. दिस फोर लीव्स आर प्रेजेंट एंड दीज लीव्स आर नोन एज द रेडिकल लीफ. इन लीव्स को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द रेडिकल लीफ. ठीक है, दीज आर द रेडिकल लीव्स. अब यहां पे आप देखोगे कि इस दिस इज द मेन रूट विच इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी रूट. ठीक है, दिस इज द मेन रूट विच इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी रूट. और इस मेन रूट पे क्या होता है, कई सारे
सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कई सारे सेकेंडरी रूट दिखेंगे. दीज आर द सेकेंडरी रूट लाइक दिस. तो ये जो प्राइमरी रूट है बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज फंक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द प्राइमरी रूट विच इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज. बाकी जो सेकेंडरी रूट है, दिस इज द सेकेंडरी रूट. ये क्या है, ये सेकेंडरी रूट है. सेकेंडरी रूट यहाँ पे आप देखोगे इट इज रिड्यूस्ड. सेकेंडरी रूट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज अबाउट द कॉनिकल रूट विच इज प्रेजेंट इन कैरेट. अब आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ कोन. इसका शेप कैसा है, इट इज द कोन शेप्ड स्ट्रक्चर. इसका शेप कैसा है, कोन शेप. और इसीलिए ड्यू टू इट्स कोन शेप दिस रूट इज नोन एज द कॉनिकल रूट. नेक्स्ट रूट इज ट्यूबरकुलर रूट और द ट्यूबरस रूट. ट्यूबरकुलर रूट को और क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट. ठीक है, ट्यूबरकुलर रूट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबरस रूट. इट इज ऑल्सो अ टैप रूट. ठीक है, इसमें टैप रूट, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट दे ऑल स्वॉलन इरेगुलरली. ठीक है, ट्यूबरकुलर रूट में क्या होगा, जो टैप रूट होगा, टैप रूट यानी कि प्राइमरी रूट. टैप रूट मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी रूट होता है वही टैप रूट होता है. उसके अलावा सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, सारे जो है दे विल बिकम स्वॉलन. ठीक है, ऑल दीज रूट्स दे बिकम स्वॉलन एंड दे बिकम स्वॉलन इरेगुलरली. तो इस तरह से इनका जो शेप होगा दिट विल बी द इरेगुलर शेप. ठीक है, स्वॉलन इरेगुलरली. तो इन दिस वे दे विल गिव राइज टू द इरेगुलर शेप. है ना, सच टाइप ऑफ रूट इज नोन एज द ट्यूबरकुलर रूट और द ट्यूबरस रूट. एंड ट्यूबरस रूट इज प्रेजेंट इन फोर ओ क्लॉक प्लांट. आपने सुना होगा नाम फोर ओ क्लॉक प्लांट, विच इज इट्स साइंटिफिक नेम इज मिराबिलिस जलापा. इट्स साइंटिफिक नेम इज मिराबिलिस जलापा. ठीक है, फोर ओ क्लॉक प्लांट. थर्ड टाइप ऑफ रूट इज नेपीफॉर्म रूट. नेपीफॉर्म रूट जो होता है टॉप लाइक होता है. आपने टॉप देखा है, जिसको बच्चे बचपन में खेलते हैं आप, ऊपर से खूब ग्लोबुलर शेप में रहता है, काफी थिक रहेगा, ग्लोबुलर शेप में रहेगा एंड सडनली इट टेपर्स एट इट्स बेस. बट इन दिस केस हेयर वाई विल टॉक अबाउट द रूट. सो जो द सॉलिड पार्ट, द ग्लोबुलर पार्ट इज प्रेजेंट एट द बेस एंड देन इट टेपर्स टूवर्ड्स इट द अपेक्स. ठीक है, एपिकल रीजन क्या होगा, वो तुरंत नैरो हो जाएगा. सो सच टाइप ऑफ रूट इज नोन एज द नेपीफॉर्म रूट. तो नेपीफॉर्म रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज टॉप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, टॉप लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ नियरली ग्लोबुलर बॉडी. ठीक है, दे आर नियरली ग्लोबुलर. इनकी जो बॉडी होती है इट इज नियरली ग्लोबुलर बॉडी. टेपर्स सडनली एट tapers suddenly towards the apex. ठीक है, let's see the structure of a nepiform root. Suppose this is the, मैंने बताया था this is the reduced stem. यहां पर मैं बनाती हूं इसका structure. Fusiform. So this is the structure of a nepiform root, right? This is the reduced disc like stem. ठीक है, a coalescent stem जिसके ऊपर क्या होगा, you will see many रेडिकल लीव्स आर प्रेजेंट हेयर. ठीक है, नाउ इसकी जो बॉडी है इस तरीके से इट टेपर्स, इट इज द सॉलिड बॉडी
और ग्लोबुलर बॉडी लाइक दिस एंड इट टेपर्स एट इट्स अपेक्स सडनली. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टर्निप. अब आप यहां देखोगे टर्निप में जो है ना जो रूट्स आर जनरली प्रेजेंट एट द एपिकल रीजन ओनली इस तरीके से एंड इन दिस पोर्शन इन दिस ग्लोबुलर पोर्शन यू विल नॉट फाइंड एनी सेकेंडरी रूट. सो दिस पोर्शन इज नोन एज वेयर द सेकेंडरी रूट्स आर एब्सेंट दिस इज नोन एज द हाइपोकॉटल रीजन. दिस इज द हाइपोकॉटल रीजन वेयर द सेकेंडरी रूट यहां पर क्या होगा सेकेंडरी रूट जो है एब्सेंट होता है. ठीक है हाइपोकॉटल रीजन में सेकेंडरी रूट एब्सेंट होता है एंड हेयर इट इज द प्राइमरी रूट. नीचे आप देखोगे प्राइमरी रूट प्रेजेंट है और प्राइमरी रूट के साथ यहां पे सेकेंडरी रूट प्रेजेंट होगा. ठीक है तो आप ये देख रहे हो कि यहां पे सिर्फ प्राइमरी रूट ही नहीं है जो स्टोरेज में इन्वॉल्व है. हेयर द हाइपोकॉटल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज. तो इन केस ऑफ नेपीफॉर्म रूट बोथ हाइपोकॉटल एज वेल एज द प्राइमरी रूट बोथ आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज. तो हाइपोकॉटल भी स्टोरेज में इन्वॉल्व होगा और प्राइमरी रूट भी जो है स्टोरेज में इन्वॉल्व होगा. ठीक है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नेपीफॉर्म रूट दैट बोथ हाइपोकॉटल एंड द प्राइमरी रूट दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज. एग्जाम्पल आपको कहां पे मिलेगा इस तरह का नेपीफॉर्म रूट आप देख के स्ट्रक्चर समझ सकते हो. इट इज फाउंड इन टर्निप. टर्निप द बॉटेनिकल नेम इज ब्रेसिका रापा. ठीक है द बॉटेनिकल नेम ऑफ टर्निप इज ब्रेसिका रापा एंड द लास्ट टाइप ऑफ द रूट इज फ्यूजीफॉर्म रूट. फ्यूजीफॉर्म रूट इज हियर द फ्यूजीफॉर्म रूट. फ्यूजीफॉर्म रूट में क्या होता है कि इट इज पहले जो है बेस पे इट स्वेल्स कंपैरेटिवली स्लाइटली नैरो देन इट स्वेल्स इट विल शो सम स्वेलिंग. तो इट फॉर्म शेप विच इज सिमिलर टू द स्पिंडल शेप. ठीक है सो दिस इज स्पिंडल शेप्ड रूट. ठीक है एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं रेडिस में आपको फ्यूजीफॉर्म रूट देखने को मिलेगा. रेडिस आपने देखा होगा तो लाइक दिस दीज आर द लीव्स रेडिकल लीव्स और इस तरीके से यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेपीफॉर्म रूट फ्यूजीफॉर्म. अब फ्यूजीफॉर्म रूट में भी आप देखोगे जो अपर पार्ट है यहां पे क्या होगा सेकेंडरी रूट एब्सेंट है. सो द पार्ट वेयर सेकेंडरी रूट इज एब्सेंट इज नोन एज द हाइपोकॉटिल. ठीक है और लोअर पार्ट में क्या होगा प्राइमरी रूट भी प्रेजेंट रहेंगे और सेकेंडरी रूट भी प्रेजेंट रहेंगे. लोअर पार्ट में प्राइमरी रूट भी प्रेजेंट है और सेकेंडरी रूट भी प्रेजेंट है. तो इस तरीके से फ्यूजीफॉर्म रूट में आप देख रहे हो यहां पे भी क्या होगा दो पार्ट. हियर ऑल्सो टू पार्ट्स ऑफ द रूट आर इन टू पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फ्रूट. एक तो होगा हाइपोकॉटिल और दूसरा प्राइमरी रूट. राइट सो प्राइमरी रूट दिस इज प्राइमरी रूट. सो हियर टू पार्ट्स. So you can see that secondary root is absent in upper part of the root where the hypocotyl is present and the two parts of the root is involved, two parts of this root is involved in the storage. Ek to hypocotyl hota hai jo storage mein involved hai and second one is the primary root which is storage mein involved hai. Ab in dono mein ek khas difference hai. Yahan pe kya hoga? Mainly hypocotyl is involved in the storage. वेरी फ्यू पार्ट ऑफ द प्राइमरी रूट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज है ना. लेकिन यहां पे स्पिंडल में मेनली टू पार्ट इन्वॉल्व इन द स्टोरेज. ठीक है हाइपोकॉटल भी प्रॉपरली स्टोरेज में आप देख रहे हैं इन्वॉल्व है और प्राइमरी रूट भी अच्छा खासा डेवलप है स्वॉलन है टू परफॉर्म द स्टोरेज. तो इट इज बेसिकली मेनली फ्यूजीफॉर्म रूट विच इज इन वेयर द टू पार्ट ऑफ द रूट आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज. सो दिस आर ऑल अबाउट द स्टोरेज और द फ्लैशी रूट ऑफ द
fleshy type of root of the taproot system. Next, I will discuss the roots modified for respiration, nitrogen fixation, reproduction and buttress root. Thank you.